नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। अगर आपके मन में ऐसा था कि हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 710 में से कौन सा सबसे बेहतर प्रोसेसर है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 710 में से कौन सा सबसे बेहतर है और किस कारण के लिए बेहतर है। आपको तो रूल पता ही है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक देना, वीडियो ना पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। तो मीडियाटेक हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 710 का जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीलियो P70 बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर और स्नैपड्रैगन 710 बना है 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। ये नैनोमीटर नंबर जितना कम होता है, वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट, उतना ही कम हीट जनरेट करता है। तो पावर एफिशिएंसी के मामले में स्नैपड्रैगन 710 बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का कोर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीलियो P70 में 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A70 कोर से, जिसका स्पीड है 2.1 GHz, और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A50 कोर से, जिसका स्पीड है 2.0 GHz, और स्नैपड्रैगन 710 में 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A75 कोर से, जिसका स्पीड है 2.1 GHz, और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 का स्कोर है, जिसका स्पीड है 1.7 GHz। अब देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 710 में हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस दोनों टाइप के कोर्स में ही नया जनरेशन कोर्टेक्स A75 और कोर्टेक्स A55 कोर्स इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हीलियो P70 में वो पुराना जनरेशन कोर्स इस्तेमाल हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोर कॉन्फ़िगरेशन के मामले में स्नैपड्रैगन 710 बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट और नेटवर्क स्पीड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीलियो P70 में मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले सपोर्ट करेगा और स्नैपड्रैगन 710 में मैक्सिमम क्वाड HD प्लस तक का डिस्प्ले सपोर्ट करेगा। हीलियो P70 में जो मैक्सिमम डाउनलोड लिंक है वो है Cat7, जो कि आपको 300 Mbps स्पीड देगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 710 में जो मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है वो है Cat15, जो कि आपको 800 Mbps स्पीड देगा, और दोनों का ही अपलोड लिंक बिल्कुल सेम है, Cat13, जो कि आपको 150 Mbps अपलोड स्पीड देगा। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट और मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 710 बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर में मैक्सिमम कितना मेगापिक्सल सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीलियो P70 में मैक्सिमम 32 और 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट करेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 710 में सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट करेगा, और डुअल कैमरा में दोनों में ही लगभग 16 मेगापिक्सल सपोर्ट करेगा। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं, फ्यूचर में अगर कोई 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर आता है, अगर वो 20,000 के नीचे लॉन्च होता है, तो ये स्नैपड्रैगन 710 के साथ लॉन्च होगा। तो मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 710 बेटर। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का रैम कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 710 दोनों में ही डुअल चैनल रैम इस्तेमाल किया गया है, जिसका स्पीड है 1866 MHz। मतलब रैम कॉन्फ़िगरेशन के मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। तो किसी भी दो प्रोसेसर के बीच का अगर डिफरेंस हम करते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर प्रोसेस है अनटूटू बेंचमार्क स्कोर, गीकबेंच स्कोर, AI स्कोर और GPU स्कोर। अब हम देखते हैं अनटूटू बेंचमार्क स्कोर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीलियो P70 का अनटूटू वर्जन 7 का स्कोर है 1,34,000, लेकिन स्नैपड्रैगन 710 का अनटूटू वर्जन 7 का स्कोर है 1,54,000 से लेके 1,72,000 तक। और ये जो स्नैपड्रैगन 710 का अनटूटू स्कोर है, ये आके रियलमी 3 प्रो का स्कोर है, और जो हीलियो P70 का स्कोर है वो आके रियलमी E1 का स्कोर है। अनटूटू बेंचमार्क स्कोर में स्नैपड्रैगन 710 ऑब्वियसली बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का गीकबेंच स्कोर। तो हीलियो P70 का सिंगल कोर स्कोर है 1567 और मल्टी कोर स्कोर है 6004, और स्नैपड्रैगन 710 का सिंगल कोर स्कोर है 1482 और मल्टी कोर स्कोर है 5850। तो अब देख सकते हैं, गीकबेंच स्कोर के सिंगल कोर और मल्टी कोर में हीलियो P70 स्नैपड्रैगन 710 से थोड़ा सा बेहतर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का एक बहुत ही मेन चीज, जो कि GPU परफॉर्मेंस। हीलियो P70 में माली G72 MP3 GPU, जिसका GPU स्कोर है 27,000, और स्नैपड्रैगन 710 का GPU है एड्रीनो 616, इसका GPU स्कोर है 49,000, मतलब हीलियो P70 से लगभग डबल। तो GPU परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 710 ऑब्वियसली बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का AI परफॉर्मेंस स्कोर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीलियो P70 का AI स्कोर है 6142 और स्नैपड्रैगन 710 का AI स्कोर है 5282।
तो AI स्कोर के मामले में Helio P70 Snapdragon 710 से ऑब्वियसली बेटर है। और अगर हम PUBG गेम प्ले की बात करते तो Helio P70 और Snapdragon 710 दोनों में HD सेटिंग्स विद हाई फ्रेम रेट के साथ हम PUBG आसानी से खेल सकते। तो अब बढ़िए कंक्लूजन की, तो Helio P70 और Snapdragon 710 का फुल कंपैरिजन के बाद हम ऐसा कह सकते Snapdragon 710 Helio P70 से obviously better है, क्योंकि Snapdragon 710 better CPU architecture, better core configuration, better Antutu score, better GPU, इन चारों मामले में Snapdragon 710 Helio P70 को beat करता है। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive। थैंक यू।